हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ यतिन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप भी इस बार इको फ्रेंडली दिवाली मनाने में ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे। मैं तो ऑब्वियसली इको फ्रेंडली मनाता हूँ, क्योंकि मुझे पटाखे वटाखे जलाना इतना पसंद है नहीं। लेकिन पटाखे जलाने की बजाय मेरी कोशिश रहती है कि कुछ और कुछ ना कुछ किया जाए। दिए वगैरह वो सब तो कॉमनली जलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये विशिंग लाइट्स के ऊपर लिखा हुआ है ये लेके आए हैं। नॉर्मली आपने देखा ही होगा, मूवीज़ में देखा होगा इसको आपने, और मतलब टीवी वगैरह पे देखा होगा कैसे जलते हैं ये। बहुत अच्छे लगते हैं और इको फ्रेंडली भी होते हैं, पोल्यूशन वगैरह की भी टेंशन नहीं होती इसके अंदर। तो हम लेके आए हैं ये और यही जलाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जितना दिखने में ईजी लगता है ना, इसमें क्या लगता है कि यार कुछ नहीं है, नीचे आग लगानी है, ऊपर जाएगा, उड़ जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन बिलीव मी, हम लगभग मैं क्या बोलूँ, 8-10 तो उड़ा चुके हैं, मतलब उड़ा नहीं चुके, फूक चुके हैं, आग लगा चुके हैं। ठीक है, मतलब होता क्या है कि कई बार तो ऊपर नहीं उड़ पाते, कई बार हम गलत तरीके से वो उड़ाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं में आग लग जाती है, एक दो बार तो ऐसा हुआ कि किसी का घर ही जला देते हम शायद। लेकिन चलो एनीवेज, जो हुआ सो हुआ। लेकिन फाइनली इसको उड़ाना हमने सीख लिया है, और मतलब यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा बहुत सर्च किया, यूट्यूब पे कुछ खास मिला नहीं ऑनेस्टली बोलूँ तो। पर्सनली हमने खुद ही कोशिश करी, थोड़ी R&D करी, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, कर आके हमने कोशिश करी और इसको फाइनली जलाना सीख लिया। अपना एक तरीका है, मैं नहीं बोलूंगा कि एक आइडियल तरीका है इसे जलाने का, लेकिन मेरा एक अपना तरीका है जिसके तरीके से हम जलाते हैं। तो एक बार आपके साथ शेयर करता हूँ कैसे जलाते हैं, ठीक है? क्योंकि अब दिवाली आएगी तो सब उड़ाएंगे इसे, उनको सीख लेना है ना एक बार कि उड़ेगी कैसे। तो जलाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं दो ईंटों का जुगाड़ करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इन ईंटों को इस तरीके से रखना है कि ये इन लाइट्स के लिए एक बेस का काम करें, जैसे कि आप यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाए कि उसके ऊपर वो टिक जाए। अब इसको इसके बाद किस तरीके से इस्तेमाल करना है और उसकी क्या वजह है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, मैंने आपको बताया था ये है विशिंग लाइट, और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक तो मेन लाइट जिसको बोलते हैं या फिर इसको कैंडल में बोलते हैं, और उसके अंदर एक ये होती है, अगर यहाँ पे देखो मोम जैसा कुछ होता है जो जिसको जलाने में हेल्प करता है। तो इसके अंदर एक स्पॉट होता है बीच में जहाँ पे इसको हमें फंसाना होता है, उसके बाद उसको आग लगाते हैं तो ये जलता है। मैं क्विकली इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसको कैसे खोलना है। ये खुल गया है, आपने देखा, खोलते हुए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्योंकि कागज़ बहुत पतला होता है तो डर रहता है कहीं फट ना जाए। बट अगर आप अच्छी क्वालिटी का फिल्म लाओगे तो इजीली खुल जाएगा, इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक और चीज़ मैं बतानी जो भूल गया वो ये कि जब आप इसको उड़ाने का प्लान कर रहे हो तो हवा नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इस समय है, इस समय बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और इस समय उड़ाने जाऊँगा अगर तो मैं डेफिनेटली नहीं उड़ा पाऊँगा, क्योंकि मैं इसको फ्लाइट भरने के लिए और इसमें गर्म हवा भरने के लिए सबसे पहले एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है जो अभी फिलहाल मुझे मिल नहीं पाएगी, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ये मोम है, मोम या कपूर, आई डोंट नो क्या है ये, जो भी है इसको उड़ने में हेल्प करता है। यहाँ पे अगर आप देखो इस तरीके से एक स्पॉट होता है, ये मतलब तार सी निकली होती है, इसके अंदर हमें इसको ऐसे फंसाना है और मोड़ देना है और ये इस पर सेट हो गया, और इसको हम मोड़ के कर देंगे अंदर की साइड सो दैट इसका एक प्रॉपर बेस बन जाएगा इन चारों तारों के बेसिस पे। और जब मैं इसको ऐसे उल्टा करूंगा तो ये इस तरीके से लैंटर्न बन जाएगा। सो गाइस, आपकी लैंटर्न अब रेडी है, लैंटर्न या विशिंग लाइट जो भी आप कह लो, ये अब रेडी है जलने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए मैंने दो ईंटें लगाई थी, अगर आप नीचे देखो तो ये दो ईंटें अब किस काम आएंगी मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली जब आप ऐसे इसको जलाओगे, इसके अंदर जब आग लगाओगे, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इन ईंटों के ऊपर रख देंगे ऐसे, और जब मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा और इसको ऐसे पकड़ूंगा तो धीरे धीरे इसमें हवा भरने लगेगी, और एक बार जब इसमें गर्म हवा भरने लगेगी तो इसको मैं इसको छोड़ दूंगा थोड़ी देर के लिए, और जब इसमें हवा पूरी तरह से भर जाएगी तो ये अपने आप ही ऊपर की तरफ उठने लगेगा और ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। अब आप ये पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ,
तो उसकी उसका सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि अगर हम इसको ऐसे खड़े होकर जलाएंगे तो खड़े होकर जलाते टाइम इसमें थोड़ा सा हम खुद भी इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें भी पता नहीं होता कि हम किस तरीके से जलाएं क्या करें। तो कई बार ऐसे हम पुश कर देते हैं उसे ऊपर, लेकिन होता क्या है कि हम पुश तो कर देते हैं लेकिन उसको उतनी हवा नहीं मिल पाती कि वो उड़ पाए, और उसके बाद वो थोड़ी देर ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाता है, जो हमारे साथ हुआ लास्ट टाइम। मतलब बहुत डर लगता है, किसी का घर ना जल जाए। तो एनीवेज तो हम इसको यहाँ रख देंगे। और एक और रीज़न ये है कि हम इसको ज़मीन पे क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये मोम है इसके नीचे। अगर हम इसको ऊपर रखेंगे तो उस मोम को जलने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलेगा। अगर हम इसको ज़मीन पे रखेंगे तो हो सकता है वो मोम ज़मीन से चिपक जाए या फिर बंद हो जाए, बुझ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे उसको प्रॉपर स्पेस मिलेगा जलने के लिए, और उसके बाद जब इसमें प्रॉपर हवा भर जाएगी तो ये अपने आप ऊपर उड़ने लगेगा। तो ये थी प्रिपरेशन कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसको एग्जैक्टली अब जलाना कैसे है। सो गाइस, अनफॉर्चुनेटली स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कोशिश करी थी कि ऊपर ही जला लें, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है तो उसकी वजह से मैं ऊपर जला नहीं पा रहा हूँ इसे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो के पर्पज़ के लिए काम करता हूँ, मैं नीचे ही अपने रूम के अंदर ही एक बार आपको जला के दिखा देता हूँ कि मैं क्या करने वाला था ऊपर, ठीक है। और उसके बाद रात को मे बी हम ऊपर जाएंगे और रात को एक बार आपको फिर वो जला के दिखाएंगे, लेकिन रात को कितना क्लियर आएगा कितना नहीं आएगा उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अभी आपको जला के दिखा देता हूँ कि हम किस तरीके से जलाने वाले थे और किस तरीके से फिर ये फ्लाइट करता है। अभी ये बिल्कुल गर्म हो चुका है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है ताकि ये ऊपर ना चला जाए। तो अभी ये बिल्कुल गर्म हो चुका है, आपने देखा ये अपने आप फ्लाइट भर रहा है, उड़ रहा है। मैंने सिर्फ ऊपर से हल्का सा होल्ड किया हुआ है इसे और ये खुद ही उड़ रहा है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा। Thank you.
होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम कैसे जलाते हैं और किस तरीके से ये उड़ता है। अनफॉर्चुनेटली इसको अभी घर के अंदर ही हमने उड़ा के दिखाया आपको, पर रात को हम छत पे भी जाएंगे दोबारा से और फिर वहां पे जाके भी आपको दिखाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे उड़ता है। ठीक है, मिलते हैं शाम को।